जेल भेजने से नाराज हुआ चोर जमानत लेकर बाहर आया, फिर उसी कोर्ट में किया ये कांड। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप एमपी 7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए अजमेर की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, अजमेर के पुष्कर में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। कोर्ट के आदेश से आहत हुए आरोपी ने कोर्ट में ही चोरी कर डाली। न्यायालय से बदला लेने के लिए आरोपी भागीरथ ने नाराज होकर न्यायालय में 20 दिसंबर की रात चोरी की। उसने कोर्ट के उपकरण सहित कई चीजें उठा ली। ट्रेनी आईपीएस सुमित मेहरड़ा ने बताया कि भागीरथ चोरी के एक मामले में कोर्ट की दी हुई तारीख पर पेश नहीं हो रहा था। इस पर पुलिस ने नागौर के जिले के थावला गांव से उसे पकड़ा और पेशी पर न आने की वजह से जेल भेज दिया। आरोपी इस बात से नाराज हुआ। उसने जमानत पर छूटते ही अपने साथी गजेंद्र के साथ 20 दिसंबर को न्यायालय पर धावा बोल दिया। इन चीजों पर किया हाथ साफ। चोरों ने कोर्ट में एलसीडी प्रिंटर और टीवी सहित कई चीजों पर हाथ साफ कर दिया। इसमें से कुछ सामान भागीरथ ने अपने घर में इस्तेमाल कर लिया और कुछ पुखराज नाम के कबाड़ी को दे दिए। इस चोरी की सूचना पुष्कर थाने में की गई। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी महावीर शर्मा ने तुरंत टीम का गठन किया। टीम में शर्मा के अलावा एएसआई देवकरण, चित्तरमल, सुनील पारिक, जितेंद्र विजय, अमित भोमाराम, वेद प्रकाश, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, नॉर्थमल शामिल किए गए। टीम ने घेरा डाला और भगीरथ, उसके दोस्त एवं कबाड़ को गिरफ्तार कर लिया। खबरों की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।